हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कंचन और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जो ये देख रही हैं, मेरा नोनी है और ये बहुत ही प्यारा है। जब भी ये मुझे देखता है चिल्लाने लगता है। एक्चुअली इसका हुआ क्या है कि इसने अपना एक आँख खो दी है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एक आँख इसका फूट चुका है बिल्कुल। नोनी को बस एक प्रॉब्लम है कि पता नहीं इसके बॉडी में इतने सारे जू टाइप कैसे हो गए, नहीं समझ आ रहा है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, पता नहीं कैसे हो गए। शायद ये गीला होता है इसकी वजह से हुआ है, या फिर पता नहीं रीजन क्या है, बहुत सारे हो गए इसके यहाँ पे। तो आज मैं इसके देसी नुस्खे से इसके सारे, ये सारे जितने भी दिख रहे होंगे जू, सबको हटाने की कोशिश करती हूँ। होप नोनी ठीक हो जाएगा। लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि अगर ऐसा को होता है तो राख अगर हम इसे लगा दें अच्छी तरह से तो सारे ये चले जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। मैं राख लेके भी आ गई हूँ, अब लगाते हैं इसको ये राख। ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं राख ले लूँगी, जैसे मुझे बताया गया मैं कर रही हूँ। राख लेना है, फिर इसके बॉडी पर डाल के थोड़ा ऐसे ऐसे करना है। अब मैं इसे राख लगाती हूँ। इसका नाम नोनी रखने के पीछे भी एक स्टोरी है। एक बार इसने बहुत ज़्यादा मुनगा का जो पत्ता होता है, जिसका साग हम लोग खाते भी है, वो उसको ही, मतलब वो बहुत ज़्यादा खा लिए थे और इसका बीपी पूरा लो हो गया था। और जब भी इसको हम लोग खाना देते थे वो मना करता था कि ऐसे खाना ही नहीं चाहता था, हमेशा ऐसे ऐसे करता था। तो इसका नाम तब से नोनी पड़ गया। नोनी नोनी, ये है इसका नाम के पीछे का स्टोरी। क्या हो नोनी, हो बहुत प्यारा है। नोनी नोनी नोनी। और जिन लोगों को नहीं पता है, या फिर मुनगा का पेड़, वो उसके पत्ता कुछ ऐसे रहता है। और इसका जो फ्रूट होता है उसकी भी सब्जी बनती है, और उसे ड्रमस्टिक बोलते हैं। बीपी को कंट्रोल करता है लिमिट में खाने से। हम लोगों ने नोनी को इसलिए रोप से बांध के रखा है क्योंकि अभी हम लोग अभी छोड़ नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि सारे के जितने भी खेत हैं सब में धान लगे हुए, किसी ने दाल लगाए हुए, गलती से अगर घुस गया तो फिर डांट मिलती है। इसलिए नोनी को हम लोग रोप से ही बांध के रखे हुए। इसके लिए खाना प्रॉपर आते रहता है। भूख लगने से नोनी चिल्लाने लगता है, नोनी आ, नोनी इधर इधर। बेचारा का एक आँख नहीं, आ जाओ नोनी। नोनी हमारे पास 1 ईयर से है। एक्चुअली नोनी को हम लोगों ने दूसरे के घर से ख़रीदा था और लोगों से कहा था कि आप ही इसे रखिए, अगर इसे हम लोग बेचते हैं तो फिर आधा पैसा वो लोग का और आधा पैसा हम लोग का। तो फिर अचानक पता नहीं कौन ने इसका आँख फोड़ दिया, तो फिर हम इसे अपने घर लेके आ गए नोनी को। आ जाओ नोनी। आ जाओ नोनी, इधर इधर नोनी। हाँ, नोनी का 5 मिनट्स हो गया राख लगाया हुआ। अब मैं इसे थोड़ा कंघी से इसके जितने भी राख बॉडी पे लगे हुए हैं सारा निकाल देती हूँ। शायद इससे इसके सारे जो जू है शायद निकल जाए। चलिए मैं अब इसे